नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान धीमान और आप देख रहे हैं N.S.Dhiman जी टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज हम सीएनसी के प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक फंडा बताऊंगा जो सीएनसी मशीन का होता है। बेसिक फंडा बताने का मतलब क्या है कि दोस्तों, ऐसा होता है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर हम करते रहते हैं तो हमें याद रहता है, और यदि हम करने कुछ पीरियड बीत जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं, क्योंकि हम सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है मशीन में प्रोग्राम को ना। तो इसलिए मैं पहले आपको बेसिक फंडा समझाता हूँ, उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग में कतई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बेसिक फंडा ऑफ प्रोग्रामिंग बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये मैंने एक पहले पार्ट बनाया हुआ है, ये इसकी होम पोजिशन और ये ऑफसेट। दोस्तों क्या होता है, देखो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये तो मशीन में सेट होते हैं पहले से, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट ऐसा होता है कि जो ये कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसको मैंने ऑफसेट लिखा है यहाँ पे, अगर मैं इस टूल को यहाँ पे लेके जाऊँगा तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। आप दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो मान लें इसके कोऑर्डिनेट 20.40 हैं, ठीक है दोस्तों, और इस टूल को हमने यहाँ पे टच करा तो इसका क्या 20.40 है। अब क्या करते हैं दोस्तों, सीएनसी मशीन में ऑफसेट का एक ऑप्शन होता है, एक टूल ऑफसेट होता है, एक वर्क ऑफसेट होता है। तो दोस्तों हमें वर्क ऑफसेट में जाना है, वहाँ पे मैंने आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिए, क्योंकि उसके जब तक आपको कोड का मतलब नहीं पता चलेगा, जब तक आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी टिपिकल लगेगी दोस्तों, फिर देखिए G54 से लेकर G59 तक क्या होते हैं, हमारे ऑफसेट होते हैं, वर्क ऑफसेट 2, 3, 4 ऐसे करके 6 तक होते हैं। तो दोस्तों ये कोऑर्डिनेट हमको डालने हैं वर्क ऑफसेट में, ठीक है दोस्तों। वर्क ऑफसेट में डालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इन पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हमारे अनुसार ऑफसेट 0.0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको आसानी से समझाने के लिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ पे ले लिया। अगर मैं इसी पॉइंट पे टूल को लेके आऊँगा तो क्या हो सकता है, टूल डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है, क्योंकि टूल एक समान नहीं हो सकता, थोड़ा भार हो सकता है, उभरा भार हो सकता है, थोड़ा गड्ढा हो सकता है। तो इसलिए क्या करा मैंने, इसको टूल को यहाँ से Z में 3 mm पीछे ले लिया और X में 28 mm पीछे ले लिया। इससे क्या होगा, टूल को कोई ख़तरा नहीं होगा। ये जो एक्सिस है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, एक्स लेथ मशीन में X-X+, Z Z-, ठीक है दोस्तों। अब मैंने इसको क्या लिया, 3+, तो यानी कि क्या होगा, यहाँ 0 था, 0 से प्लस में लूँगा तो Z3, इसके कोऑर्डिनेट दोस्त चेंज हो गए Z3। इसी तरह दोस्तों यहाँ से 0 से 25 mm का पार्ट, और इससे मैंने 3 mm और पीछे ले लिया, कितना 28, ठीक है दोस्तों। तो ये कोऑर्डिनेट तो हो गए मशीन को सेट करने के। दोस्तों अगर आपको ये ऑफसेट समझ नहीं आया तो मैं एक बार और सब बता देता हूँ। ये तो होते हैं, ये कोऑर्डिनेट होते हैं जो मशीन के होते हैं, इनको हम छेड़ नहीं सकते, ये जो प्रोग्राम होते हैं एक्सिस के हिसाब से उस हिसाब से सेट होते हैं। बट जो हम यहाँ पे टूल पर लाके पार्ट पर टच करते हैं तो इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, वो अपने अनुसार चेंज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, जो हमें काम करने में आसानी हो और तो माना हमने ये कोऑर्डिनेट्स आए, X 20 आया, Z 40 आया, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या करते हैं, हम डालते हैं वर्क ऑफसेट में, ठीक है। वर्क ऑफसेट में डालने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारा 0 हो जाएंगे पॉइंट। 0.0 होने के बाद मैंने इसको टूल की सेफ्टी के लिए 3 mm जेड में पीछे कर दिया, और 25 mm का ये पार्ट है, यहाँ पे देखो दोस्तों 25 mm का पार्ट है, इससे 3 mm और पीछे कर दिया, तो हमारा समथिंग यहाँ पे आएगा जो अगला पॉइंट आएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये मैंने आपको बेसिक फंडा इसलिए बताया है, ये अभी मैंने आपको प्रोग्रामिंग पूरी कोड चला के नहीं, खाली आपको एक हल्का सा मेथड बताया जो आप मशीन में सेट करने से, प्रोग्रामिंग करने से पहले समझ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है ये चीज़ सेट करने में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब हमें क्या करना है, कटिंग करनी है, ठीक है दोस्तों। तो कटिंग करने से पहले क्या करेंगे, अभी हमारा टूल यहाँ पे है, ये 0 होम पोजिशन पे, ठीक है दोस्तों। इससे क्या करेंगे, अब हम इसको ऑटो में चलाना है, तो पहला कोड क्या होगा, G01 लाइनर इंटरपोजिशन, ठीक है दोस्तों। लाइनर इंटरपोजिशन में क्या करेगा, टूल एक रेखीय गति करेगा, लीनियर मोशन में गति करेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या करा, इसको लीनियर मोशन में गति कराई, और हमको क्या लेना है, पहले X 28 Z 3, तो हमारा टूल मूव करके यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, इस कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा,
ये इसको मैंने राउंड इसलिए किया है क्योंकि इसको मैंने नहीं लिया, क्योंकि इसको टूल सेफ्टी के लिए नहीं यूज किया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने टूल की सेफ्टी के लिए इसको नहीं यूज किया, क्योंकि अगर इसको उड़को करता तो ये क्या करता, सीधा यहाँ पे आके टच हो जाता। ठीक है दोस्तों, मैंने आपकी आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए और ये टूल को पीछे ले आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, अब करनी है हमको इसकी कटिंग। तो क्या करना है हमको, G01 लाइनर इंटरपोजिशन, ये नीचे आएगा टूल और यहाँ से क्या करेगा, X24 Z0। तो दोस्तों ये पहला जो कट है ये आप देख रहे होंगे, तो इसमें क्या है, X24 यानी कि टूल यहाँ पे आ जाएगा 24 पे, और Z0, जेड यहाँ पे देखना आप, कोऑर्डिनेट 0 है, इस पर टच है तो इस पर टच हो जाएगा आके। उसके बाद G01 लाइनर इंटरपोजिशन हो गया दोस्तों। उसके बाद Z-40, ये देखिए दोस्तों जो इसकी एक्सिस है उसमें जेड माइनस है, तो ये Z-40, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों, हाँ आपका सही कहना, चेंज हो जाएंगे, तो ये होंगे 24, -40। तो क्या करेगा, -40 में कटिंग कर देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है हमको, इसको वापस इसी पोजीशन में लाना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए G00, ये क्या था, रैपिड पोजीशन। इसमें क्या होगा कि हमें पता है टूल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे कोई भी पार्ट टच नहीं होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, तो हम G00 डालते हैं और वो एक बहुत तेजी से तेजी स्पीड में इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो X28 Z3। फिर दोबारा से हमें कटिंग करनी है, तो फिर क्या करते हैं हम दोस्तों, इसमें G01 लाइनर इंटरपोजिशन X23, 0 यानी कि यहाँ डालेंगे X23 Z0। Z0 से क्या करेगी, मशीन यहाँ से चेंज होकर इस पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर वही स्टेप G01 Z-40, तो क्या करेगी मशीन, इस जो ये जो कटिंग भागी है, मैंने जो कटिंग करके दिखा रखा है आपको हैचिंग लाइन डाल के, इसमें कटिंग करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 23, -40। तो 23 तो यहाँ पे आ गया, X23 Z0 यहाँ पे आ गया, उसके बाद -40 Z में -40, तो क्या करेगा, इसकी कटिंग कर देगा। उसके बाद हमें फिर इसको इसी पॉइंट पे लाना है, तो G01 X28 Z3। इसके लिए हम G00 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टूल को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों G01 X50 Z50। अब हम इसको पॉइंट से, अब हम क्या करेंगे, अगर यहीं पे लगे हुए इसको क्या बोलते हैं पार्ट को खोलेंगे तो दिक्कत होगी, तो इससे क्या करेंगे हम, बहुत दूर वाली पोजीशन पे यहाँ पे समथिंग इसको टूल को ले जाएंगे और मशीन को ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों ये तो था बेसिक फंडा, और अगली वीडियो में मैं आपको टर्निंग, टेपर टर्निंग, फेसिंग, इन चीज़ के प्रोग्राम बताऊंगा। तो दोस्तों मेरी अगली वीडियो ना देखना भूले, और आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, मेरी अगली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।